बात करिए गाने को, अगर कुछ बताना चाहो किस तरह से मदारी, एक अलग ही वर्ड है मदारी। मदारी अलग बचपन से सुना है यार मदारी वर्ड तो, बट मदारी वही एक करतब दिखाता है, पता नहीं है उसको मोहल्ले में कौन देख रहा है, सभी देख रहे, बच्चा हो बूढ़ा हो। तो ये एल्बम भी वैसी है, हर तरह का गाना है इस एल्बम में, और पिछले 6 महीने से इस पे ही ग्राइंड चालू था, और अभी वो आज फाइनली रिलीज़ हुआ है। और मैं थोड़ा ऑनलाइन ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो देख रहा था, मैं थोड़ा रो दिया, थोड़ा हंस दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और फिर मैंने देखना बंद कर दिया कि नहीं, आज पार्टी में ध्यान देता हूँ, लॉन्च पे ध्यान देता हूँ। आज जो यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग आए हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग आए हैं, उन्होंने इस काबिल समझा, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आज इनसे मिलूँगा और उसके बाद मैं डेफिनेटली देखूँगा क्या चल रहा है रिएक्शन, बट अभी तक जो मैंने देखा वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। पहले कॉमेडियन और की बात करूँ, काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे एल्बम के बारे में। यस यस, आज वो दिन आया है, अच्छी फीलिंग आती है भाई। वो बहुत बुरी फीलिंग है भाई, वो विदाई बच्ची की विदाई होती है वैसी फीलिंग है। मेरी बच्ची तो नहीं है, बट बहनों की विदाई देखी है मैंने, तो आई कैन फील के वो हो रहा है कि कुछ चीज़ को आपने बहुत ख्याल रखा है, और वो चीज़ जब आपके आपसे दूर जाती है तो वो फीलिंग है, बट साथ साथ में एक्साइटमेंट भी है कि लोगों तक मैं फाइनली 6 महीने तक जिस पर हम मेहनत कर रहे थे वो मैं लोगों तक प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। So I'm very happy. काफी सारे बड़े स्टार्स के नाम आपने इस गाने में लिए, हाँ। काफी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, मुझे जिस तरह लगे गाने में, क्या कुछ प्लान था इनके बड़े स्टार्स के नाम ले रहे हैं, एंड दो तीन अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लग रहे थे गाने में, अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह? गाना एक हिप हॉप रेफरेंस ट्रैक है, मतलब लाइक इट्स लाइक अ प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक। इसमें आप हर तरह के रेफरेंस है, और हमने बॉलीवुड रेफरेंस हो, मीम रेफरेंस हो, इंटरनेट पे जो चलता है उसका रेफरेंस हो, कुछ बाकी नहीं रखा। एक लाइन में दो दो मीनिंग्स है उसमें, तो आई थिंक वो गाना लिखने में भी बहुत मज़ा आया हमको, मैं और फरहान जब हम लिखने बैठे थे तो इट वाज फन, और हाँ उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ा। नहीं भाई, मैं एक बार वो कर लिया रियलिटी शो, तो अभी मैं शायद रियलिटी शो के मूड में नहीं हूँ, बट अभी जैसे ये प्रोजेक्ट रिलीज हो गया है अभी, और जैसे यस KOD में बोला है कि इस साल सबसे बड़ा वाला स्टैंड अप वीडियो लाऊंगा, तो यस एक सरप्राइज है स्टैंड अप के फैंस के लिए भी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ये सुयश और हमने कुछ तो बनाया बहुत खूबसूरत है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा डेट्स को लेके थोड़े इधर उधर हो रहे, जैसी डेट फाइनल होगी मजा आएगा। भाई पहले कॉमेडियन और अभी एज ए सिंगर आप डेब्यू कर रहे हैं, तो अभी और किन किन नए रूपों में आपको देखने को मिलेगा दर्शकों? वापस बोलूंगा फैन शॉक भी नहीं होंगे, कल को बन गया मैं साइंटिस्ट, तो बस मेहनत करते रहता हूँ, मुझे करना पसंद है एंटरटेन, तब वो कोई भी फॉर्म में हो, मुझे कभी शायरी भी करता हूँ, स्टैंड अप भी करता हूँ, और म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और हर चीज़ को 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही समझो कि मेरे पास टाइम बहुत है। किसको एंजॉय कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, शायरी या कॉमेडी या? फिलहाल मदारी को एंजॉय कर रहा हूँ भाई। यार फ्रेंकली मैंने जितने भी जैसे आप लोग से सुना है, और मैं इंस्टाग्राम पे और जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे यही पढ़ रहा हूँ कि बहुत लोग ट्रिप कर रहे हैं उस गाने पे, बहुत ही फन लविंग और वाइबी गाना है। एंड मैं फ्लाइट में था, मैं जस्ट लैंड होके अभी यहाँ पहुँचा ही हूँ, सो मैं पर्सनली अंदर जाके अभी वो गाना सुनना चाहूँगा। मैंने 30 सेकंड की सिर्फ क्लिप देखी है इंस्टाग्राम पे, वेयर मुनव्वर वॉज डांसिंग एंड वाइबिंग ऑन इट, एंड आई थिंक इट्स अ रियली रियली कूल सॉन्ग, इट लुक्ड वेरी कूल, बट द रीज़न आई एम हियर इज यू नो मुनव्वर, ऑफ कोर्स आई लव दैट बॉय, I love what he's all about. Desi hai, dil ka saaf hai, and I think that's what I love the most about him. And I'm here to wish him and support him and give all my love to him. Sorry. Another, I think, 2 mahina maximum. Meri bhi ek album pending hai. Bahut jaldi announce karunga usko. In fact, usme se shayad ek gana Munawar ke saath bhi hoga. But can't say anything official right now. But we are trying to crack a song. Hum log bahut time se plan kar rahe hain saath mein gana karne ka. So hope. मुनव्वर के साथ मुनव्वर बिकॉज ही रैप्स, उसको मेरे कुछ 3-4 गाने बहुत पसंद हैं, वो मेरे सैड सॉन्ग्स हैं, बट उसके बीच में वो रैप करना चाहता है, उसने बहुत बहुत बार मुझे बोला है, सो पूरी विल सिट एंड क्रैक समथिंग वेरी वेरी नाइस विच एवरीवन विल लाइक। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सबसे पहले मदारी, हाँ जी, जब कल आया बहुत कमाल गाना है, कुछ बताना चाहोगे किस तरह से लगा मुनव्वर का गाना? बहुत ही एक्चुअली धमाकेदार मुझे वो गाना लगा, एंड मैंने जैसे सुना बोली ओह माय गॉड, क्योंकि मैंने जेन्युइनली आज ही रिलीज हुआ है ना वो, मैंने नहीं सुना था, मैंने अभी डायरेक्टली सुना, तो बहुत प्यारा गाना लगा है। एंड इट्स लाइक कि हर एक इंसान ने जितनी मेहनत की है ना वो उस गाने में समझ में आ रहा है, कि सब ने एकदम पूरी जान लगा दी, पूरी दिल लगा दी उस गाने पर। मुनव्वर के बारे में
मुनव्वर बहुत अच्छा इंसान है, मैं मतलब पहले भी मिली हूँ उनसे एंड इज़ अ वेरी स्वीट गाय। अभी बात करें, अब बहुत सारे ओटीटी आने वाले, खतरों के खिलाड़ी आने वाले, किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप? मैं खतरों के खिलाड़ी में शिव के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कुछ नहीं। मैं अपने हंगामा कर रहे हैं, हमने सुना है शिव और अर्चना, क्या कहना चाहोगे? देखो अभी हमें बात ये कि हमें हर एक चीज़ मालूम नहीं है ना कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हम लोग कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये बात हुई होगी, ये गलत है, ये सही है। तो वो जो भी हुआ है वहाँ पे हुआ है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड आई एम स्टिल रूटिंग फॉर शिव एंड आई वांट हिम टू विन। आप दोनों बहनें हमेशा हंगामा करती रहती हैं, मतलब दोनों आ जाते तो हंगामा हो जाता है, तो आप दोनों एक साथ कभी हम आपको कोई सॉन्ग में? जरूर 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 जरूर। एक्चुअली जो मेरा अभी गाना आने वाला है वो मैंने पहले भी बोला, जैसा मेरे लिए, मेरे पापा के लिए एंड मेरी बहन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो गाना मेरे और मेरा और सानिया का गाना है जिसमें हम दोनों ने गाया है, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। बस वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस्ट एकदम गाना निकले, सो उसमें ही थोड़ा वक्त लग रहा है एंड अभी इट्स लाइक कि गाना एकदम रेडी है, वी आर जस्ट वेटिंग टू शूट।